उससे। नमस्ते। ऐसे अचानक बिना बताए कैसे आना हुआ? जी वो दो दिन से रजनी से बात ही नहीं हो पा रही है। जब भी उसे फोन करते हैं उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। रजनी एक्चुअली उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके दिमाग का इलाज चालू है और वो अपने कमरे में आराम कर रही है। क्या हम लोग उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर ने उसको अभी किसी से भी मिलने से मना किया। पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को। ऑटो बेटा, लोग बाहर जाके कुछ बवाल तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं मामा, कुछ नहीं होगा। कुछ एक काम कर, उन लोगों को फोन कर बोल के अलर्ट हो जाए, किसी को भी रंजी से मिलने न दे। जल्दी फोन कर, कुछ नहीं होगा। रजनी पागल नहीं है, रजनी को फंसाया जा रहा है। अच्छा हुआ इसके साथ, यह साबित करना चाहती थी कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूं। अब इसकी सारी जिंदगी यह साबित करने में निकल जाएगी कि यह पागल नहीं है। रजनी की हालत का मंजर देखकर दिल सिहर उठता है और मन बार बार यह सवाल करता है कि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि एक मासूम लड़की की जिंदगी को इस तरह से बदतर बना दे कि मौत और जिंदगी में कोई फर्क ही ना दिखे। जिन आंखों में अपने खुशहाल भविष्य के सपने लिए रजनी ने मेहता परिवार में कदम रखा था, आज वही आंखें बेजान दिखाई दे रही थी। रजनी अपने ससुराल गई तो थी उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने, लेकिन उसके खिलाफ हुए एक और षड्यंत्र ने उसे मेंटल असाइलम तक पहुंचा दिया। आखिर क्या होगा रजनी के साथ? क्या वो वहां से निकलने में कामयाब हो पाएगी? क्या दुनिया को मेहता परिवार का सच पता चल पाएगा? रजनी से मिलने गए थे पर वो लोग ने रजनी से मिलने नहीं दिया। वो कह रहे थे कि डॉक्टर ने रजनी से मिलने के लिए मना किया। रजनी के साथ ऐसा पहले कभी हुआ है? पागलपन के दौरे पड़े उससे पहले कभी? उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे वो तो पूजा पाठ करने वाली बच्ची थी। पता नहीं डॉक्टर ये सब क्यों कह रहे हैं। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। हाँ उसने एक बार बोला था कि उसके साथ वहां बहुत गलत हो रहा है। तो आप लोगों ने उसकी बात क्यों नहीं मानी, साथ क्यों नहीं दिया उसका? थोड़ा भरोसा कर लेते अपनी बच्ची पर। कुंदन मैम, फौरन पता करो कि रजनी कहाँ है और उज्जवल के परिवार वालों से बात करो। यस मैम। उठो मैडम, ये लो दवा खा लो अपना। शाबाश मैडम जी, चलो दवा का टाइम हो गया, खा लो और पानी पी लो। ये लो आपका दवा खा लो। दवा खा लो। मैडम चलो आप भी ये दवा खा लो। खा लो। मैम मैंने पता लगाया,
मैम, रजनी के ससुराल वालों का कहना है कि रजनी को फिर से पागलपन का दौरा पड़ा था और फिर डॉक्टर के कहने के बाद उन्होंने उसको मेंटल असाइलम में एडमिट करा दिया है। रजनी का केस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो पहले यहाँ खुद आती है और अपने बारे में हमें सब कुछ बताती है, फिर लोगों ने कहा कि वो पागल है, फिर अचानक वो यहाँ आती है और अपना केस वापस ले लेती है। जिस परिवार वालों के बारे में उसने इतना कुछ गलत बताया, उस परिवार में वो वापस गई। गई तो गई, वहां जाते उसे पागलपन के दौरे पड़े और वो मेंटल असाइलम में शिफ्ट हो जाती है। और अचानक उसके माता पिता का यहाँ आना एक लेटर के साथ, जिसमें ये लिखा है कि वो पागल नहीं है, क्या मतलब हो सकता है इसका? मैम, ये भी तो हो सकता है कि रजनी की इन सब में रजामंदी हो। अगर ये सब कुछ रजामंदी से हुआ होता तो कोई तो होता जो हमें ये बात बताता, पर नहीं, कुंदन वो सब लोग मिलकर इस सच को सिर्फ इसलिए छुपाना चाहते थे क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ है एक बहुत बड़ा झूठ। कुंदन, हमें तुरंत रजनी के पास पहुंचना होगा, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तेरा पहली बार है ना, सीख ले अच्छे से। हो या ना हो, लेकिन मैं तुझे जरूर पागल कर दूंगा। अब तेरी बारी है। चिन्मय, रजनी को पुलिस मिलने आई है, उसको लेके बाहर आ जा। चल, आज तो बच गई, लेकिन तेरा इलाज मैं ही करूंगा। और फिर हमने उसे दवाई दी जिससे कुछ आराम मिला, पर मेंटल कंडीशन अभी भी वीक है, रिकवर होने में टाइम लग सकता है। ये चोट कैसे लगी? दौरा पड़ने के बाद इसने अपने आप को चोट पहुंचा दिया। रजनी, कैसी हो तुम? आप कौन? देखा आपने, ये इसकी बीमारी का एक हिस्सा है। पहले आपको जानती थी, पर अब आपकी शक्ल भी याद नहीं है। इसी तरह ये कभी भी गुस्से में आ जाती है, और फिर ये कब क्या कर जाती है, इसका होश इसे खुद को नहीं होता। यहाँ आने के बाद इसे बहुत बड़ा दौरा पड़ा और उस दौरान उसने अपने आप को चोट पहुँचा दिया, जिसकी वजह से हम इनके बच्चे को नहीं बचा पाए। वर्मा जी कैसे हैं? ठीक। आज का क्या इंतजाम है? आज संध्या भाभी आपके साथ रहेंगे। भाभी, इनके साथ सोने की बात कह रही हूँ कि मैं नहीं कर सकती, ज्यादा सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने।
चलो सब लोग अपनी दवा खा लो, से आप जल्दी ठीक हो जाओगे। चिन्मय जो पीली वाली गोली देगा उसको मत खाना, उसको खाने से लोग अपना होश खो बैठते हैं और फिर चिन्मय उनके साथ बलात्कार करता है। गोली मत खाना। दवा खा लो। रजनी, तुमसे मिलने कोई आया है? आओ चलो। सच में उस कैमरे के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। उज्जवल ने पहले ही सोच लिया था कि वो तुम्हें पागल साबित कर देगा, और मुझे इस बारे में सच में कुछ नहीं पता था। मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती। भाभी, प्लीज मेरी मदद करो। मैं यहां नहीं रह सकती। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं। उन लोगों को ये पता चल गया कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तो कहीं वो मेरी बच्ची को ना मार दे। अब कब तक सहेंगे ये सब? और एक ना एक दिन तो सेजल को पता चलेगा ना। जिस दर्द को रजनी ने सहा था, उस दर्द का सामना संध्या ने भी किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि रजनी ने इस सब के खिलाफ आवाज उठाई थी और संध्या कभी हिम्मत जुटा ही नहीं पाई, बल्कि वो इस दलदल को अपनी किस्मत मानकर बैठी थी। रजनी की गुहार ने संध्या को झकझोर तो दिया था, लेकिन संध्या के लिए मेहता परिवार के खिलाफ आवाज उठा पाना किसी जंग से कम नहीं था, क्योंकि रजनी की बगावत का अंजाम उसकी आंखों के सामने था। वहीं मेंटल असाइलम में बीत रहा एक एक पल रजनी के लिए खतरों से भरा हुआ था, क्योंकि उसके लिए इस बात का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल था कि कौन उसका हमदर्द है और कौन मेहता परिवार का बिछाया हुआ प्यादा जो उस पर वार करने के लिए घात लगाए बैठा था। तेरा इलाज नहीं हो पाया था ना, चल मेरे साथ तुझे ठीक। रुक, 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 ये पकड़ो इस पागल को, रुक। तुम क्या करते हो सब पता है मुझे। चल। मैं उस डॉक्टर की बताई हुई बीमारी के बारे में पता लगाते लगाते एक चौंकाने वाली बात सामने आई। कौन सी बात? मैम, ये डॉक्टर जिसके पास रजनी का इलाज चल रहा है, इसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है। मैम, इनफैक्ट एक बार ये जाली सर्टिफिकेट बनाने के चक्कर में सस्पेंड भी हो चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये डॉक्टर उज्जवल और उसके परिवार वालों से मिला हो? इन लोगों ने मिलकर जानबूझकर रजनी के बच्चे को मारा हो? एक काम करो, जाकर पता करो कि जब रजनी हॉस्पिटल में आई थी तो उसके साथ एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। यस मैम। जी सर,
इसका खास ध्यान रखना। ओके। संध्या, कब से वॉशरूम में हो? मिस्टर जैन तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चलो। हाँ। एक चलो। हाँ हाँ कम। प्यार से समझाया था ना, मान जाती, नाटक करना जरूरी था क्या? मैम ज्यादा तो पता नहीं लग पाया, लेकिन जितने भी मेंटल पेशेंट्स हैं उनको संभालने का काम चिन्मय का है। जिस रात को रजनी उस हॉस्पिटल में एडमिट कराई गई थी, चिन्मय वहीं पे था। ये चिन्मय यहाँ पर कई सालों से काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस डॉक्टर का काफी पुराना आदमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी उस डॉक्टर के साथ मिला हुआ हो? मैडम, आपके लिए किसी ने लेटर छोड़ा। रजनी पागल नहीं है, रजनी को फंसाया जा रहा है। ये ऐसा ही सेम लेटर रजनी के माता पिता लेकर आए थे ना, उस पे भी यही लिखा था। एक सेकेंड। मैम ये दोनों हैंडराइटिंग्स मैच कर रही हैं, पर ये लिखा किसने होगा? ये जो कोई भी है तो मेहता परिवार से ही, बहुत करीबी है, रजनी को अच्छी तरीके से जानता है। हॉस्पिटल भेज दो, रजनी से मिल। क्या लगा? हमें पता नहीं चलेगा। पापा, पापा को जोर दो। मामा इसको लेके जाओ, लेके जाओ इसको। क्या तुम चलो यहां से? तुम क्या सोचोगे? जा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हारा मोबाइल फोन मिला उज्जवल को, पार्टी की वीडियो क्यों ले रही थी तुम? क्यों? रजनी की तरह अगर चाल चलने का शौक पनप रहा हो ना, तो एक बार फिर से जाकर उसे देख लेना। और तुम तो घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारे साथ जो होगा वो रजनी से भी बड़ा होगा। परेशान करके रख दिया, चलो चलो। बहुत खातिरदारी हो रही है यहां पर। सुना है तेरे अंदर का एथलीट जग गया, पर क्या है नरजनी कि यहां की दीवार को कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, तुमने यहां पर बैठे बैठे अपना दिमाग लड़ाया और भाभी को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। लेकिन तुम टेंशन मत लो, हमने सब ठीक कर दिया, तब तुम्हें यहां से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। जो बोलोगे ना मैं ये सब करूंगी, बस मुझे मेरा बच्चा ला दो। इस सब में उसकी क्या गलती थी? और क्या पता वो किसी और का नहीं बल्कि
तुम्हारा ही बच्चा हो। मुझे मेरा बच्चा ला दो। उसने तो आंखें भी नहीं खोली थी अपनी इस दुनिया में। अत्याचार की पराकाष्ठा सहने के बाद अब रजनी का मन अगर किसी के लिए रोता था तो वो था अपने अजन्मे बच्चे के लिए, जिसे इस दुनिया की रोशनी देखने से पहले ही अंधेरे की गर्त में हमेशा के लिए धकेल दिया गया। जो बच्चा शायद दुनिया के सामने रजनी की आपबीती साबित करने में मददगार होता, उस बच्चे को मार डालने की उज्जवल ने भरसक कोशिश की थी और वो अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो गया था। लेकिन वो ये भूल गया कि वो जिस जान का नामो निशान मिटाना चाहता था वो शायद उसका अपना खून भी हो सकता था। एक तरफ जहां संध्या के बाद रजनी के लिए मदद की हर गुंजाइश खत्म हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ कोई था जो उसकी इस दशा पर पसीज रहा था। रजनी की अंधेरी दुनिया में शायद रोशनी की एक किरण दिखने वाली थी। दीदी, मेरे बच्चे को क्या हुआ था? खाना टाइम से खा लेना। दीदी प्लीज बताइए ना कि क्या हुआ था मेरे बच्चे को जब मैं यहाँ आई थी। प्लीज बताइए ना। रजनी, जब तुम यहाँ आई थी तो तुम बेहोश थी, तुम्हें काफी चोटें भी लगी थी। हम लोगों ने तुम्हारा चेकअप किया, तुम्हारा बच्चा सही सलामत था, लेकिन डॉक्टर साहब ने तुम्हारे बच्चे को अबॉर्ट करने को कहा था। रजनी, तुम रो मत। दीदी मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से किसी तरह निकालिए ना। दीदी प्लीज निकालिए ना मुझे। दीदी सालम में काम करती हूँ। जी मैडम, और रजनी की देखभाल भी मैं ही करती हूँ। काफी वक्त से वहाँ काम कर रही हूँ, बहुत कुछ होते देखा है वहाँ पे, लेकिन जो अब हो रहा है वो सब देख के मैं और चुप नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। क्यों, ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर? उस रात मैं ड्यूटी पे थी, तभी हॉस्पिटल के बाहर आके एक कार रुकी। उस रात रजनी का पति आया था रजनी को लेकर, वो बहुत घायल थी। पहले तो देख के लगा जैसे जिंदा ही नहीं है, पर बाद में उज्जवल ने डॉक्टर से कहा कि वो उसका बच्चा निकाल दे और इसे बाकी के पेशेंट के साथ ही रखे। फिर चिन्मय ने रजनी को बेहोशी की हालत में ही काफी मारा, फिर उसका अबॉर्शन करा दिया। पहले तो मुझे लगा कि रजनी भी बाकी पेशेंट्स की तरह पागल ही होगी, लेकिन जब धीरे धीरे उससे बातचीत बढ़ी तो मैं समझ चुकी थी कि वो पागल नहीं है। मैम, हॉस्पिटल में चिन्मय सब पेशेंट्स को दवाइयाँ देता है, लेकिन जो लड़की उसको पसंद आ जाती है उसे एक पीली गोली देता है जिसको खाने के बाद लड़कियाँ अपना होश खो बैठती हैं और वो उनके साथ बलात्कार करता है। मैम, वो वही गोली रजनी को भी देता है। मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, वो लड़की पागल है, उसने खुद से अपने बच्चे का नुकसान किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं क्यों कुछ करूं?
ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, समझा? तेरे हॉस्पिटल की बाकी लड़कियों से सब पता चल चुका है मुझे, तो उनके साथ क्या क्या करता है। तेरे पास बस एक ही रास्ता है, या तो तू हमें सब कुछ सच सच बता, वरना निर्भया एक्ट लगाकर तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर कर दूंगी। मैडम, ये सब मुझे उस डॉक्टर ने करने के लिए कहा था। तूने रजनी का अबॉर्शन जानबूझ के करवाया ताकि हमें यह पता ही ना चल सके कि उसके बच्चे का बाप कौन है। फिर तुम सब लोगों ने मिलकर उसे पागल बनाने की कोशिश की। बाकी पेशेंट्स की तरह तुम लोगों ने जानबूझकर उसे ऐसी वैसी दवाइयां खिलाई ताकि उसकी स्टेटमेंट की हमारी नजर में कोई वैल्यू ही ना हो। देखिए, ये सब आप क्या बोल रही हैं मुझे नहीं पता, झूठ है ये सब। रजनी मानसिक तौर से बीमार है। बस, कौन क्या है वो सामने लाना हमारा काम है। बहुत मोटी चमड़ी है ना तेरी, मैं भी देखती हूँ कितनी मोटी है। कुंदन। यस मैम। खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैडम, अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप? देखिए मैडम, उसका पागलपन बहुत बढ़ता जा रहा था। ऑलरेडी डॉक्टर से जिद करके मैंने उसको अपने घर पे रखवाया था, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि मैं क्या करता। मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। फिर आपने उसका अबॉर्शन करवा दिया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। मुझे तो खुद डॉक्टरों से पता चला कि पागलपन की हालत में उसने खुद को चोट पहुंचा ली और जिसकी वजह से बच्चा गिर गया। मैम एक सेकंड। मैम, हम इसको ज्यादा देर रख नहीं सकते क्योंकि इसका बड़ा भाई लॉयर के साथ यहाँ पर आया है और उसके पास बेल ऑर्डर्स है। और मैम, उनका ये भी कहना है कि अगर अबॉर्शन जबरदस्ती हुआ है तो भी इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो चिन्मय है। और मैम, इन्होंने डॉक्टर की भी बेल करा ली है। सर। वृंदा, मुझे ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में कर दूं। तुम्हें पता तो है ना कि तुम क्या कर रही हो। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, उज्जवल की फैमिली ने बहुत स्मार्टली गेम खेला है। उन्होंने सारा इल्जाम चिन्मय के ऊपर डाल दिया है ताकि वो इस केस से क्लीन चिट लेकर बाहर निकल सके। बट वृंदा, तुम ऐसे ही किसी के कुछ भी कह देने से किसी को बगैर सबूतों के कैसे गिरफ्तार कर सकती हो। फिलहाल एक काम करो, रजनी के लिए दूसरे डॉक्टर का इंतजाम करो और जब तक दूसरा डॉक्टर नहीं मिलता है उसको वहीं हॉस्पिटल में रखो। इज दैट क्लियर? सर प्लीज मुझे एक हफ्ते का टाइम और दे दीजिए, मैं सच को सामने जरूर लाऊंगी। ठीक है वृंदा, लेकिन कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना। इस केस में कई बड़े नाम शामिल हैं। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से वाकिफ हूँ और मुझे तुम पर पूरा यकीन भी है, लेकिन कोर्ट में यकीन नहीं, सबूत चलते हैं। थैंक यू सर, आई विल टेक केयर। नहीं मिल सकते आप लोग, वो नहीं मिलना चाहती। मैंने कहा ना, हम भी आप जो बोलेंगी ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग जिसके साथ बोलोगे मैं उसके साथ सो जाऊंगी, पर प्लीज निकालिए मुझे यहाँ से, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। बेटा, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। काश उस दिन मैं तेरी बात मान लेता जिस दिन तुमने हमें सब कुछ बता दिया था। माफ कर। क्या हो रहा है ये? ये मीटिंग प्लेस नहीं है, प्लीज जाइए यहाँ से। प्लीज सिस्टर, इनको लेके जाओ कैबिन में, जाइए लेके जाइए। रजनी ने अपनी जिंदगी से सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। एक आम लड़की को मानसिक रूप से इतना परेशान किया गया था कि उसके सब्र का बांध टूटने की कगार पर खड़ा था। शुरुआत में ही अगर उसके घर वालों ने उसका जरा सा भी साथ दिया होता तो शायद आज रजनी की हालत ऐसी नहीं होती। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर वृंदा को इस केस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक हफ्ते का टाइम मिला था, लेकिन क्या इंस्पेक्टर वृंदा इस केस को सॉल्व कर पाएंगी? क्या रजनी इस नर्क से बाहर आ पाएगी? मैम, हमें उज्जवल के खिलाफ जल्द से जल्द सबूत इकट्ठे करने हैं और हमारे पास वक्त वैसे ही बहुत कम है। मैम, आई श्योर ये वर्क करेगा। ऑफ कोर्स कुंदन, अब तक हमारे पास जो भी हमें लीड्स मिले हैं उसमें ये लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेटर एक ही शख्स लिख रहा है जो चाहता है कि रजनी के बेगुनाही साबित हो। बस एक बार उसके बारे में पता चल जाए तो हमारे सामने काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाय द वे, तुमने स्कूल में बात की? यस मैम, मैंने उनको इनफैक्ट इन्फॉर्म भी कर दिया कि वो इस बात को अपने तक रखेंगे। परफेक्ट। मैम ये देखिए, सेजल का होमवर्क उसकी माँ ही करवाती थी।
अक्सर सेजर को कुछ लेटर्स सिखाने के लिए उसकी माँ उसे लिख कर दिखाती थी। ये मम्मा ने लिख दिया और टीचर को बता देना कि मम्मा ने देख लिया। ठीक है, अब हम दूसरा होमवर्क करते हैं। यहाँ पर इस पन्ने संध्या? हाँ? क्या बात है, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? मैंने सुबह कहा था ना कि आज रात का प्लान क्या है। पर मुझे इसका होमवर्क कराना है। इसका होमवर्क होते रहेगा, मेरी डील दोबारा नहीं होगी। चलो जल्दी 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 आ जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या बोली तू? क्या बोली? जब से रजनी इस घर में आके गई है तेरे तेवर बदल गए। देख तो कैसे नहीं जाएगा। चल 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 मेरी बच्ची को कुछ करो। जल्दी कैसी हो रजनी? ठीक हूँ दीदी, थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो पता नहीं। बस अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा केस सिर्फ नए डॉक्टर के पास है। अब बस वो तुमसे एक बार मिलेंगे और सब ठीक हो जाएगा। रजनी, तुमसे मिलने कोई आया है? अच्छा पुलिस के पास जाकर तुम ये मत समझो कि तुम बच गई हो। उस पुलिस वाली का ट्रांसफर तो मैं करवा के आऊंगा और बस तभी तक तुम बची हुई हो। और हाँ, अब ध्यान से सुनो, अब तक जो भी कुछ हुआ ना वो सिर्फ ट्रेलर है। सिगरेट है कि नहीं? कुछ मार देते हैं मुझको, कपड़े फाड़ दे, खून निकाल दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं, कंप्लेंट करके रहूंगा इसकी। मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर, मैं अभी रजनी से मिल के आ रहा हूं, आप मुझे बताइए कि वो कब तक ठीक होगी। आप देख रहे हैं मेरी शर्ट फाड़ दी, ये देख रहे हैं मेरी क्या हालत कर दी उसने। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि आप उसको खुला कैसे छोड़ सकते हैं। शी इज डेंजरस। आप शांत हो जाइए, रजनी का केस मैं हैंडल कर रहा हूँ, उसका अभी पूरा चेकअप बाकी है। उससे अगर किसी को खतरा है तो हम उसे सेपरेट वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। और ऐसा करने की कीमत क्या होगी? संध्या, क्या कर रही है आप? छोड़िए, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हो रही, लेट जाओ। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ टेस्ट करेंगे, तुम डरो मत, डॉक्टर आ रहे हैं। पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ? क्या चीज के टेस्ट? ये सब क्या हो रहा है? डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मशीन लगाओ। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे हस्बैंड ने किया, वो मुझे फंसाना चाहता है। मुझे मालूम है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। उज्ज्वल ने मुझे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन शायद उसको ये पता नहीं कि जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती है। हमें तुम्हारी मदद करने दो। मशीन लगाई। भाई ये नया डॉक्टर बिजा तो बिकाई नहीं, इसने रजनी को क्लीन चिट दे दी। अब कोर्ट में रजनी की गवाही में महंगी पड़ सकती है। भाई कोई बात नहीं, वैसे भी इंडिया को कुछ रखा नहीं। मैंने बेल्जियम में राज से बात कर लिया है, हम अपना पूरा बिजनेस इमीडिएटली वहां शिफ्ट कर लेंगे और कुछ ही वक्त में हमें वहां की नागरिकता भी मिल जाएगी। आइडिया तो अच्छा भाई, वैसे भी बेल्जियम दुनिया का डायमंड कैपिटल है और वहां जाने के बाद हमारी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा। और जब तक रजनी कोर्ट में गवाही देगी तब तक तो हम बेल्जियम में होंगे। तब तक के लिए मैंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दिया है। सुनो उज्ज्वल, रात की पार्टी में भविष्य आएंगे, राज की राइट हैंड है, वही हमारा सारा बिजनेस वहां सेटल करेंगे, इसलिए आज रात की पार्टी उनके लिए शानदार होनी चाहिए। शानदार माँ, जो मिस्टर राज है ना, जिनका बेल्जियम में बहुत बड़ा बिजनेस है, ये है उनके राइट हैंड मिस्टर भावेश, उनका सारा काम यही देखते हैं। वैसे उज्ज्वल जी, आई हैव सीन होल वर्ल्ड, लेकिन इंडिया से खूबसूरत कोई भी जगह नहीं है। बिल्कुल, सब आपके लिए तो है। भाभी, प्लीज हैव अ गुड टाइम। थैंक यू।
भाभी माँ मोहित को से मोहित ने कभी बताया नहीं कि आप इतने खूबसूरत हैं। खैर कोई बात नहीं, एक रात बहुत होती है एक दूसरे को जानने के लिए। बैठिए आप। एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम जाना। हाँ इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, जल्दी आइएगा। बड़ी अंडरस्टैंडिंग हार्ड है, पकड़ो इसे, चलो ताकि ये कमरे में तलाशी लो। छोड़ो मुझे। ए वो क्या रहा है, ये तमाशा है क्या? डोंट टच मी, डोंट टच मी। क्या हो रहा है सब? उज्जवल उज्जवल क्या हो रहा है सब? उज्जवल मैडम क्या है, आप मुझे जानती नहीं है, आपका ट्रांसफर करा दूंगा मैं। अब जेल में बैठकर ट्रांसफर करवाना मेरा। क्या देखता हूँ कैसे जेल में डालेगी आप? क्या क्राइम कर रहे थे हम लोग? एक दूसरे के घर मर्जी से सो रहे थे, किसी के रेप नहीं हो रहे थे यहाँ पर? अपनी मर्जी अपने पास रख, तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जब गवाही पेश करूंगी ना तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मतलब क्या, मतलब क्या है आपका? तुम्हारी बीवी तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी कि तुमने उसे लोगों के साथ सोने के लिए मजबूर किया है। अब इससे बड़ी गवाही तो कोर्ट में हो नहीं सकती किसी की। संध्या ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है? संध्या हम जानते हैं कि ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है और तुम रजनी की मदद भी करना चाहती हो, लेकिन इस तरीके से छुप छुप के लेटर लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें खुलकर सामने आना पड़ेगा। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये तुम्हारे साथ थी? अरे इसके लिखे हुए लेटर्स थे हमारे पास, ये बस मजबूर थी अपने बच्चे के लिए, लेकिन जिस दिन इसे पता चला कि तुम दोनों ने मिलकर रजनी के बच्चे को मारा है, उसने ये फैसला लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। फिर मैंने इससे कहा कि अगर ये पुलिस का साथ देती है तो इसे कुछ नहीं होगा, और जिस दिन तुमने अपने बच्चे पर हाथ उठाया था उस दिन इसने ये फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये अपने आप को और अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। बस लेके चलो इन्हें। रजनी तुम्हारे सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, अब तुम कोर्ट में गवाही दे सकती हो। उज्जवल और उसके सारे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, इंस्पेक्टर वृंदा तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है, जाओ। रजनी के साथ जो हुआ वो शायद रुक सकता था, उसकी ये हालत ना होती अगर किसी ने उसकी बात सुनी होती, उसे समझा होता, उसका साथ दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं हम आज भी बेटियों को पराया धन समझते हैं। उनकी शादी के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है, क्योंकि शादी के बाद एक स्त्री का दूसरा जन्म होता है जहां उसे नए परिवार में नई दुनिया में ढलना होता है। इसलिए जानना बेहद जरूरी है कि उसकी नई दुनिया कैसी है, क्योंकि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी अपनी खुशी होती है। इस केस से जुड़े सभी अभियुक्त आज सलाखों के पीछे हैं, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिल जाएगी, लेकिन उनमें से कोई भी रजनी का बीता हुआ कल नहीं लौटा पाएगा। पर हम उम्मीद करते हैं कि फिर किसी रजनी के साथ ऐसा ना हो। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।